अरे कालू, कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहा हूँ। अच्छा, किसके साथ? मम्मी के साथ। मम्मी कहाँ है? कार में बैठी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस में जाऊँगा। अच्छा, कार में मम्मी, बस में कालू। कार में अम्मी मतलब कारबिल अमीन, कारबिल अमीन अभिक्रिया। कार में अम्मी, इससे अभिक्रिया का नाम याद आता है। बस में कालू, बस मतलब बेस और हिंदी में शार, और दो फेमस शार है, के ओ एच एन ओ एच। कालू मतलब क्लोरोफार्म। तो इस अभिक्रिया के अभिकारक एमीन क्षार, इन दोनों में से कोई सा भी क्षार आप उपयोग में ले सकते हो। क्लोरोफार्म ये तीन अभिकारक इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और इन तीनों का पता इस सेंटेंस से लगा सकते हो, और अभिक्रिया का नाम भी पता लगा सकते हो। बस इतना आप पता लगा लेते हो तो इस अभिक्रिया को आप पूरा लिख सकते हो। बहुत ही आसान है। इसमें क्लोरीन के तीन परमाणु हैं, तो यहाँ पर तीन लिख देते हैं, क्लोरोफार्म। NaOH, इसकी संख्या तीन है तो इसे तीन बार लिखते हैं। अमीन। अब आपको क्या करना है, तीनों सोडियम को तीनों क्लोरीन के साथ अलग करना है। NaCl, 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 थ्री NaCl। सभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल के रूप में अलग करना है, H2O। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं, H और OH। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, जल का एक अणु, H OH। जल का दूसरा अणु, H2O। जल का तीसरा अणु। तो जल के तीन अणु अलग हो जाते हैं। शेष बचे हुए RN को इस C के साथ जोड़ दो, RNC। और इसका सामान्य नाम अल्किल आइसोसाइनाइड है। और इसी अल्किल आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमीन कहा जाता है। इसी के नाम पर अभिक्रिया का नाम कार्बिल अमीन अभिक्रिया। केवल ट्रिक याद रखो और समीकरण लिख दो, और इस रफ वर्क को हटा दो। कार्बिल अमीन अभिक्रिया।